चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचाया है। सारे लेसन्स तुम्हें मिल जाएंगे। शक्ति। यस मिस। कम हियर। यस मिस। शक्ति, हमारे जितने भी लेसन्स हुए हैं वो सारे लेसन्स तुम माया को दे दो। क्या? हाँ, मेरे ख्याल से कुछ 5 या 6 लेसन्स हुए होंगे। वो सारे लेसन्स तुम माया के साथ बैठकर उसे समझा दो, ठीक है? पर मिस, क्या मैं पूरी स्कूल में एक ही लड़का मिला था माया को समझाने के लिए? तुझे हंसी आ रही है? अरे, टीचर ने उसे बाजू में बिठाकर मेरा बैंड बजा दिया है, मेरा जीना आराम कर दिया। पूरे क्लास में तो मैं ही एक अकेला बच्चा मिला उसे परेशान करने के लिए। तू है, चला जीता है, सब है। एक बात बताओ शक्ति, उस टीचर ने माया को तेरे बाजू में बिठाकर मस्त काम किया है। एक साल भी अगर मैं उसके बाजू में बैठा तो मेरी पूरी काया ही पलट जाएगी। 2 सीट के बेंच पे मुझे आधे से आधी जगह भी नहीं मिलती। सही कहा, बहुत मोटी है, मेरी कमर अब तक दुख रही है। अच्छा है, कम से कम तू 1 साल तो शैतानी करना बंद करेगा। एक बात बताओ शक्ति, तू पूरे स्कूल में माया के नाम से फेमस हो गया है। दोस्त, खाक दोस्त, अगर मैं 6 महीने भी उस बटाटे की बोरी के बाजू में बैठा रहा ना तो मेरी हालत ऐसे हो जाएगी जैसे बिना बटर के जला हुआ काला सा टोस्ट। सोच शक्ति सोच। आइडिया, मैं स्कूल ही बदल लाता हूँ। वाह शक्ति, यू आर द ग्रेट ग्रेट। एक बात बताऊँ मैं? बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। मैं उसे तेरे नए स्कूल का एड्रेस बता दूंगा। तेरे कैसे भी करके मेरी खींचनी है ना? तू मेरा दोस्त है, तेरे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। फ्यूचर? यू फूल। नहीं हाँ, 20 ओवर 10 10 10 ओवर 20। ए आलसी, थोड़ी मेहनत कर, डोर बेल बजा, अमूल को बार बुला। यार तुम लोग हर मुश्किल काम मेरे से क्यों कराते हो? आलसी है यार। लेजी मंकी। ये डोरबेल की आवाज कैसी है? इधर, मैंने अभी तक डोरबेल बजाई नहीं। ध्यान से सुनो, ये अमोल की आवाज तो नहीं? क्या? यार, ये अमोल ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? कि अमोल के मम्मी डैडी उसकी जम के धुलाई कर रहे हैं। क्या? हाँ। पर अमोल तो कह रहा था उसके मम्मी और पापा बाहर जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब अमोल के घर पे चोर है। क्या? जो अमोल को बुरी तरह पीट रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से भागो, इससे पहले कि वो हमारी पिटाई कर दे। रुको। हाँ। रुको। तुम लोग कैसे दोस्तों? अमोल बेचारा अंदर मुसीबत में है और तुम लोग उसकी हेल्प करने की बजाय यहाँ से भाग रहे हो। लेकिन यार शक्ति, हम लोग छोटे छोटे बच्चे और वो वहाँ बड़ा चोर, हम उससे नहीं उलझ सकते यार। आशु, एकता में बहुत बल होता है, हम सब मिलकर उस चोर को उसकी नानी याद दिला सकते हैं। चल चल, तू डोरबेल बजा।
बजा, फिर से बजा, बजा। ऐसा बिखरा हुआ है यार, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। बजा, फिर से बजा, बजा। ओ नो, लगता है मम्मी पापा आ गए। अब तो मैं गया, मैं गया। चरणजीत कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? यार एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। हाँ? तोड़ देते हैं। हाँ, दरवाजा पा, मैं तो क्या करूँ, मालूम वाचो, प्लीज वाचो। तो हो जाए शुरू। जय गुली की, मैं गुली की। अपनी हालत क्यों बना रखी है? तेरा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? अरे यार खाली चेहरा नहीं, यहाँ तो सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। ये तूने क्या किया? खुले दरवाजे से एक बिल्ली अंदर आ गई थी, बस उसे भगाने के चक्कर में ये सब हुआ। तू एक बिल्ली को भगा नहीं पाया? गई गई। देखा, हमें देखती बिल्ली कैसे दुम दबा के भाग गई। थैंक यू वेरी मच, अब प्लीज मेरी एक मदद और कर दो। कैसी मदद? मम्मी डैडी के आने से पहले मुझे घर की सफाई करनी है, वरना वो आते ही मुझे डांटेंगे। एक्सक्यूज मी, मतलब तू हमसे घर की सफाई करने की मदद मांग रहा है? जी पागल हो गया है, कितनी बीमारियां इस गंदगी में, तू तो खुद तो बीमार होगा ही, साथ में हम लोग को भी बीमार करवाएगा। भाई मैं तो कुछ मदद नहीं करने वाला हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। हम अपने दोस्त का घर साफ करके ही जाएंगे। रॉकी दुनिया वही बदल सकता है जिन्हें अपनी सुरक्षा का कोई डर नहीं। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हो जाए शुरू। चलो अब घर की तो साफ सफाई हो गई, अब हम हमारी साफ सफाई करते हैं। अमोल बाथरूम का यहाँ। सिक्स का आंसर पता ना? पहला वाला छत्रपति। इतना जल्दी? हाँ मैम, पेपर बहुत अच्छा गया मैम। सब क्वेश्चन आंसर किए? हाँ मैम। मिस क्या मैं जा सकता हूँ? मिस कल के एग्जाम के लिए भी पढ़ना है मैम। थैंक यू मैम। श्रीमती अध्यापिका जी, आज मैं पेपर की तैयारी नहीं कर पाया,
इसलिए दया करके मुझे पासिंग मार्क्स दे दीजिए। भगवान आपका भला करे। आपका आज्ञाकारी छात्र मिहिर शाह। अर्पिता मदद करो ना। अगले एग्जाम के लिए ठीक से तैयारी करके आना। तूने मेरा आंसर पेपर क्यों छीना? तू बता रही नहीं थी इसलिए मैंने छीन लिया, और मुझे कुछ आ भी नहीं रहा था। तो कम से कम तेरी वजह से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। चल। तेरा पेपर कैसा गया? अरे जो चैप्टर्स मैंने रीड किए थे उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए, अब 60% एटलीस्ट आ जाएंगे। और तेरा? सनी तू मुझे एक बार सच सच बता, जैसे तू चश्मे लगाता है तुझे क्लियर दिखा देता है, अब जैसे तू कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाता है तुझे क्या क्लियर दिखा देता है या राम भरोसे काम चला देता है? अच्छा अब तो जोर से दुखियों के हमारा मूड ऑफ मत कर। और क्या, इस साल तुम मन लगा के पढ़ाई करना, देखना कि इस साल के एग्जाम में तुम जरूर फर्स्ट आओगे। हाय फ्रेंड्स, तुम में से किसी ने भी रॉकी को देखा है? पता हो भाई, अब रॉकी को देखने की चीज है। शक्ति मजाक मत करो, आई एम सीरियस। क्यों, क्या हुआ? रॉकी ने एग्जामिनेशन हॉल में अर्पिता का आंसर शीट ले लिया और सब कुछ कॉपी कर लिया। क्या? रॉकी ने जो किया गलत किया, हम सब उससे बात करना छोड़ देंगे। नहीं, बात करना छोड़ देने से क्या हो जाएगा, हमें रॉकी से मिलकर उसे समझाना चाहिए, ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ चलो चलते। चलो। मैं हूंगा कामयाब, मैं हूंगा कामयाब, मैं हूंगा कामयाब, तू होगा ना कामयाब, तू होगा ना कामयाब, एक दिन तेरा बुरा होगा अंजाम, तू आएगा किसी के काम, एक दिन। यार तुम लोग मेरे दोस्त होकर ऐसा बोलते हो? तुम्हारा जैसा चीटर हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। चीटर? क्यों, मैंने क्या चीटिंग की तुम लोग के साथ? तुमने हमारे साथ नहीं रॉकी, बल्कि खुद के साथ चीटिंग की है। अंदर एग्जामिनेशन हॉल में तुमने जो कुछ भी किया इंडिया लैंग्वेज सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा वो तो मुझे किसी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम थे, इसलिए मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए थे, इसलिए मैंने कॉपी किया था। देख रॉकी, तेरी बात भी सच है कि तू अगर आंसर शीट ना लेता तो फेल हो जाता, मगर मेरे यार तू इस तरह से पास होकर भी क्या करेगा, तू हर साल इसी तरह पहले स्कूल और फिर कॉलेजों के इम्तिहान में पास हो जाएगा, मगर इस इम्तिहान के बाद जो है तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान करियर, उसमें तू कैसे पास होगा मेरे यार, कैसे? अब तू ही सोच के रख रॉकी कि तुझे कैसे अपना फ्यूचर डेवलप करना है। ब्लैक, टोटली ब्लैक, उस अंधेरे में तेरा साथ कोई नहीं देगा रॉकी। हाँ अभी भी सोच ले कि हम तेरे साथ नहीं है। अरे नहीं यार, तुम लोग मेरे दोस्त होकर ऐसा बोलोगे, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के जाओगे, मुझे अपना ब्लैक फ्यूचर का अंधेरा साफ दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके टीचर को सब कुछ सच सच बता देता हूँ, and I promise मैं आज के बाद कभी कॉपी नहीं करूंगा। Oh, that's my real hero. Yeah! आओ जूलियट, इससे पहले कि कोई और आ जाए हम यहाँ से भाग चले। देखा कोई आ गया? अंदर आ, दरवाजा खुला है।
अरे शक्ति, तूने कैसा गेटअप ले रखा है? अरे मेरा जो कजिन है ना आशु, उसके बाबा एक चैरिटी शो प्ले कर रहे हैं रोमियो और जूलियट का, उसमें मैं रोमियो का पार्ट कर रहा हूँ, मैं उसी के डायलॉग याद कर रहा हूँ। फिर काम तो नहीं करता जैसा जिया सर कर। नहीं नहीं, मुझे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना है। अरे ठीक है चले जाना, लेकिन जब तक आशु नहीं आता तब तक यहाँ वेट तो कर। मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा, तू तो अपने डायलॉग याद कर रहा है। ये पकड़ स्क्रिप्ट और जूलियट के क्यूज दे। इससे पहले कोई और आ जाए हम यहाँ से भाग चले। तुम्हें मुझसे डायलॉग पढ़वाना ही नहीं, या मैं लाइब्रेरी जाऊँ? नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यू कंटिन्यू। कम ऑन, दरवाजा खुला है। हाय आशु। हाय आशु, तूने अपने डायलॉग याद कर लिए? बस वही कर रहा हूँ। तेरे पापा ने मेरे लिए जूलियट सिला कर दी। ये ले, इस लिफाफे में उस लड़की की तस्वीर है जो जूलियट का कैरेक्टर कर रही है। इतना शर्मा क्यों रहा है? अगर लड़की सामने आ जाएगी ना तो डायलॉग फूल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं भागूंगा डायलॉग से। नहीं! शक्ति, शक्ति क्या हुआ? शक्ति क्या हुआ तुझे? शक्ति, शक्ति, अरे शक्ति, शक्ति कुछ बोल रहा नहीं? शक्ति क्या हुआ? शक्ति को, शक्ति, शक्ति, शक्ति कुछ बोलता भी नहीं तो? ए शक्ति, शक्ति, शक्ति क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? शक्ति, तू यहाँ से जा रही है तो शक्ति को? ए शक्ति, ए शक्ति, ये शक्ति बेहोश हो गया और तू हंसी जा रहा है। क्या रास्ता नहीं तो पागल है ना तू रुक रहा है? तू मुझे बता था तूने कि क्या बात है? ऊपर शक्ति ने अपने आप कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रहा और यार अब इसका पागल हो रहा है। ये सब इस तस्वीर का सवाल है जो तू अपने साथ लेकर आया है। मतलब मेरे को समझा नहीं। एक तस्वीर वाली लड़की का नाम माया है जो हमारे स्कूल में पढ़ती है और शक्ति और माया की एक लंबी दास्तान है। लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? अगर इन दोनों की दास्तान सुनकर अगर तू नहीं हंसा तो मेरा नाम सनी नहीं। सुना, एक दिन जब माया, मैं तो सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी पापा का तो सुलहा हो गया है। नाउ नो मोर लड़ाई, नाउ नो मोर मारपीट। बहुत खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी मम्मी डैडी हमेशा साथ में रहे। बाय द वे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 4B क्लास का है? ओके, ये तो मेरे क्लास में। नहीं नहीं नहीं, देख लो